हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सावन के सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन स्टार्ट हो चुका है और आज पहला दिन है सावन का, तो बहुत लोगों का फास्ट होगा और कोई तो पूरा सावन जो है व्रत रखता है, कोई कोई सावन के सोमवार में ही व्रत करता है। थोड़ी इमोशनल होगी बिकॉज आई एम नॉट इन इंडिया, सो फेस्टिवल्स के टाइम बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं इंडिया। तो दिस कंट्री इज़ नॉट बैड, तो बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर भी, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत सुंदर है। बट यस, बात होती है इंडिया की। आप जहाँ पर जन्म लिए हो, आपने आपके पूरे 30-35 साल इंडिया में निकाल दिए। फेस्टिवल्स के टाइम जो चहल पहल होती है इंडिया में, दैट इज़ अनबीटेबल इन एनी कंट्री। तो यहाँ तो क्रिसमस एंड ऑल की सेलिब्रेशन होती है, एंड यस, जो इंडियन कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती हैं जो भी फेस्टिवल्स होते हैं। बट ओवरऑल यहाँ पता नहीं चलता आप, मतलब सोसाइटी से या फिर आसपास के जो लोग हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किया जा रहा है। किसी ने डेकोरेशंस वगैरह किया है, कोई बाहर निकल के आ रहा है इंडियन ड्रेसेस में या साड़ीज में, तो समझ में आता है कि हाँ कोई सेलिब्रेशन हुआ है। ईयर मैंने सोचा है कि नहीं, मैं मंदिर जाऊंगी और मुझे जैसा रिचुअल्स मेरा इंडिया में था मैं वैसे ही फॉलो करूंगी। थोड़ा बहुत तो अप्स एंड डाउन्स होंगे बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर, चेंज इन कंट्री, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत अलग है, इंडिया का वेदर बहुत अलग है, इंडिया का कल्चर बहुत अलग है, यहाँ का कल्चर बहुत अलग है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट। बट यस, अगर आप कोई चीज़ ठान लो कि आपको ये चीज़ करना है, तो आप उसे कैसे भी करोगे और अपने तरीके से करोगे। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स हो ही जाएंगे बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है, शाम को बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। तो यस, कुछ इस तरीके से मेरा आज सावन का सोमवार चलेगा। आज मैं फलाहार करूँगी, मैं निर्जला व्रत नहीं रखती हूँ, मैं फलाहार करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं चाय एंड थोड़ा फ्रूट्स ले लूँगी, एंड इवनिंग में मैं फलाहार करूँगी। दर्शन करने के बाद आऊँगी घर, मैं फलाहार में मेरी फेवरेट मैं आलू फ्राई करती हूँ, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। एंड तो यस, आज मैंने सोचा है कि आज मैं साड़ी पहनूँ। ऑलरेडी इट्स बीन 4 मंथ कि मैंने साड़ी नहीं पहनी है और आज मेरा बहुत मन है कि मैं साड़ी पहनूँ। तो यस, मंदिर जा रही हूँ, तो आई विल ट्राई टू वेयर साड़ी, डिपेंड वेदर, वही वेदर के ऊपर है, बारिश ना हो तो, सिर्फ ठंड है तो चल जाएगी, जैकेट के साथ साड़ी अच्छी लगती है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी जब भी मैं रेडी हो जाऊँगी। एंड मॉर्निंग जो है चाय के साथ शुरू कर दी है मैंने, तो मॉर्निंग मेरा चाय रेडी है। एंड फास्टिंग के दिन मुझे चाय कैसे भी चाहिए, नहीं तो मेरा हेडेक जो है वो मुझे पूरा परेशान कर देता है। यस, बात करें अगर पिछले 2 दिन की, तो मैंने 2 दिन वीडियो नहीं डाली, डे 18 डे 19। तो अब मैं डे 18 आज से शुरू कर रही हूँ। मैं 2 दिन मैंने स्किप किया बिकॉज जैसे कि मैंने कहा यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो सराउंडिंग है, सोसाइटी है, हमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करके चलनी होती है। तो जो सैटरडे संडे वीकेंड होता है, इसी दिन बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, हम सारे पेंडिंग वर्क सैटरडे संडे पे ही रखते हैं। तो ऐसे कुछ काम थे, कुछ गेस्ट का काम, कुछ गेस्ट के यहाँ आना जाना, फिर गृह प्रवेश, एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जिसके वजह से मैंने ये 2 दिन अपना 75 हार्ड चैलेंज फॉलो नहीं किया है। यस, लिटरली नहीं किया है। बट जो डे 18 था, लाइक सैटरडे, उस दिन मैं वॉक बहुत की, तो आई थिंक मेरा वॉकिंग जो है वो कंप्लीट हो गया था, वॉकिंग मेरा कंप्लीट हो गया था। बट ओवरऑल मैंने एक्सरसाइज नहीं की थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया वीडियो। आई एम नॉट फोर्सिंग टू माई सेल्फ टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज वेरी फोर्सफुली, नो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं 75 चैलेंज कंप्लीट करूँगी, एंड बट मैं अपने आप को फोर्स नहीं करूँगी। मैं अपने जो रिचुअल्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, एंड इस तरह के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क हैं जो मैं स्किप नहीं कर सकती, एंड लाइक आपके मंथली साइकिल जिस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, तो ऐसे जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, तो ये मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगी। एंड उस दिन के बाद से मैं अपना वापस से 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट करूंगी। तो अभी तक मैंने 17 डे किया है, अब आज से मेरा 18 डे चालू होगा। आई एम गोइंग टू फॉलो ऑल माय फेस्टिवल्स, तो अब तो फेस्टिवल्स की शुरुआत है, तो हो सकता है बीच बीच में बहुत सारे डेज ऐसे आए जहां पर
मेरा डे कंटिन्यू ना हो, बट स्टिल आई विल मेक श्योर कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट माई 75 हार्ट चैलेंज, जो कि 75 डेज में नहीं होगा. आई थिंक इट्स गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 85 और 90, बिकॉज जो बीच बीच में स्किप हो रहा है इस वजह से. सो आई एम नॉट सो हार्ड ऑन माई सेल्फ. आई नो इट्स टू हार्ड रूल्स, बहुत सारे हार्ड रूल्स हैं इस 75 हार्ड चैलेंज में, बट मैंने कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया है फॉर माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू माई कंट्री. हर चीजें ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबल नहीं है, बट एंड ऑफ द डे वॉट वी नीड हेल्दी लाइफ स्टाइल. सो हेल्दी लाइफ स्टाइल इवॉल्व करने के लिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रेशर मत करो. आपसे जितना होता है वो जरूर करो, एक्सरसाइज जरूर करो. डोंट पुश योरसेल्फ सो हार्ड कि आपकी बाकी चीजें जो लाइंड अप है उसमें कुछ आपका नुकसान हो. नो, डाइट आपके लिए कोई मतलब हमको खाना तो डेली खाना है, तो वो चीज तो आप फॉलो हो ही जाएगी. और जैसे कि श्रावण का महीना चल रहा है, तो बहुत लोग जो है नॉनवेज नहीं खाते हैं, बहुत लोग जो है सावन के सोमवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो ये सारी चीजें भी आप फॉलो कर सकते हो. अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हो तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है डेयरी प्रोडक्ट्स इन वेजिटेरियन लाइक पनीर, टोफू, ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो अपने डाइट में. फास्टिंग है, बट स्टिल अगर आपसे हो पाता है 45 मिनट्स ना से ही आप 30 मिनट्स वर्कआउट करो, 15 मिनट्स करो, 20 मिनट्स करो, बट स्किप मत करो. तो अभी मैं वर्कआउट करूंगी, एक्सरसाइज हम करेंगे. आज बहुत सी नई नई एक्सरसाइज मैंने सीखी है. इनको स्टार्ट करते हैं वर्कआउट एंड देन पूरा व्लॉग देखिएगा आप लोग ये आज का, क्योंकि आज आपको इस व्लॉग में मंदिर देखने मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. आप इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन तो जरूर बजा देना. मिलते हैं एक्सरसाइज पे. एंड ये जो दो दिन का गैप हुआ है, इट मेड मी मोर फ्रेश, मोर एनर्जेटिक. एंड यस, इन केस आपको भी ये 75 हार्ट चैलेंज में थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आप डेली बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो खुद को, सो यू कैन टेक वन डे ब्रेक. सो आई टुक टू डेज ब्रेक, बट नॉट जेन्युइनली एंड नॉट लाइक आई वॉन्टेड, बट इट हैपेंड सडनली. सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट एंड आज थोड़ा सा टफ वर्कआउट करूंगी एंड इट विल डेफिनेटली फॉर माय बेली फैट, बट यस आई एम गोइंग टू यूज प्रॉप, दैट इज दिस 5 kg बासमती राइस. विद द हेल्प ऑफ दिस विल डू वन एक्सरसाइज. तो आपके पास भी 5 kg की जो भी चीजें हो आप उसको लेके प्रॉप बना सकते हो फॉर योर एक्सरसाइज. सो आज मैंने इसको प्रॉप बनाया है. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वर्कआउट. लेट्स बिगिन विद स्ट्रेचिंग वार्म अप. तो दो दिन के बाद है तो वार्म अप करना एंड स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है. लेट्स बिगिन विद नेक. 1 2 3 4 5 राउंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. नाउ शोल्डर 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10 एग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. काउंट आप आपके ऊपर है, आप कितना भी काउंट कर सकते हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. जस्ट होल्ड फॉर, ऐसे बेंड हो जाओ, जितना नीचे हो सकता उतना बेंड हो जाओ. होल्ड होल्ड फॉर 30 सेकेंड. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. सो बेली फैट की एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूं जो बहुत इफेक्टिव है. 20 काउंट 3 रिपीटेशंस करना है आपको. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. नेक्स्ट ऐसे रखना है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. काउंट 50 का करिए एंड देन 50 काउंट करिए. लेट्स टेक ब्रेक. जैसे कि फास्ट है तो भूख लग गई. आई हैव कोकोनट वाटर मैं पी रही हूँ. मारे पानी ये 1 लीटर की पैकेट है. यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से नारियल पानी मिलता है बट मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है. जब जब मुझे थोड़ा बहुत प्यास लगती है या फिर ऐसा लगता है कुछ पेट में जाना चाहिए आई जस्ट ड्रिंक दिस. आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो है, बेयर विथ मी. थोड़ा सा झेल लीजिए एंड पूरी वीडियो देखिए क्योंकि इवनिंग तक आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा. आपको यहाँ का टेम्पल देखने मिलेगा और मैंने किस तरह से सेलिब्रेट किया पहला सोमवार वो आपको देखने मिलेगा. अगर आपके घर पे कुछ ऐसी चीज है जहां पर आप अपने पैर को स्टक कर सकते हो
तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आपके घर पे कोई है जो आपके लेग को होल्ड कर सके तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी गुड फॉर बेली फैट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। दिस एक्सरसाइज आई रिसेंटली स्टार्टेड, तो आप देख रहे थे मुझसे बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, बट आई एम प्रैक्टिसिंग। अभी तक मैं 10 के काउंट से कर रही हूं एंड माई टारगेट इज फॉर 50 काउंट। लेट्स सी हो जाएगा। सो इस एक्सरसाइज में आपको अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी मेक एन आर्क लाइक सी बनाइए, आप जितना हो सके सी बनाने की कोशिश करो 10 के काउंट पर। लेट्स स्टार्ट। आपको इसे होल्ड करना है, हेड आपको बेंड करना है एंड देन इसे आपको 10 टाइम्स लेफ्ट राइट ऐसे करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। मेरा टारगेट था 20 का, मैंने 15 किया है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। वन टू थ्री फोर फाइव
सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। डन विथ माई एक्सरसाइज, आज के लिए बहुत है। लेट्स मूव ऑन टू कुक फलाहार। सो बर्तन तो रेडी है मेरे पूजा का, मैंने सारे वॉश कर लिए अच्छे से एंड मंदिर यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया है। ऐसा लग रहा है, बताओ मुझे, बस इसमें चुनरी लगानी बाकी है जो कि अभी मैंने धूप में डाली है सूखने के लिए। तो ये कुछ साड़ियाँ मैंने निकाली है, आई हैव दिस फोर ऑप्शन टू वेयर टूडे। लेट्स सी क्या पहनूँ मैं, कौन से पहनूँ। ये मैंने कभी नहीं पहनी हुई है सो मैं सोच रही थी इसको दिवाली के लिए रखूँ। ये मैंने पहना हुआ है दो तीन बार, इसे भी पहना है। येल्लो भी मैंने पहनी हुई है। मैं सोच रही थी नहीं, इसे रख देती हूँ। तो दर्शन करने जा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ ये हल्की सी ये पहन लूँ, से ये पहन लूँ। आई थिंक ये बेटर रहेगी बिकॉज ये हल्की भी है और बहुत अच्छे से सेट हो जाती है आपके बॉडी पे। आई जस्ट लव ग्रे कलर। फर्स्ट मंडे आई एम गोइंग टू वेयर दिस फाइनल। हे ऑल, सो फाइनली आई एम रेडी फॉर पूजा। ये मेकअप लुक आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। और सो मेरी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। पीछे देखिए आपको बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है उसमें मैं सोमवार व्रत की कथा सुन रही हूँ और अभी दिया जलाऊंगी, भोग लगा चुकी हूँ एंड अगरबत्ती नहीं है सो यहाँ जला नहीं सकते हैं। सो मैंने सोचा चलिए कैंडल जलाते हैं, तो मैं कैंडल जलाऊंगी। मेरी पूजा हो चुकी है, आरती बजने वाली है तो हम आरती स्टार्ट कर देंगे। चलिए मैं आपको मिलती हूँ मंदिर में। हेलो ऑल, सो मेरी पूजा हो चुकी है, अब मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए और आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगी यहाँ कैनबरा का मंदिर। रात हो गई है बट देखते हैं कितना दिखता है या नहीं सब। लेट्स सी, मैं भी फर्स्ट टाइम चल रही हूँ तो चलिए आप लोग को भी मैं दर्शन कराती हूँ। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। जैसे कि मैं इवनिंग में आई हूँ तो थोड़ा अंधेरा है बट अंदर मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। मैंने सोचा है कि मैं पूरी तरह से पहले पूजा कर लूँ उसके बाद, तो आप सिर्फ देखिए एंजॉय करिए। कर्पूरचूर्ण संयुक्त धनोपकारिणां धान्योपकारिणां वात्सकादीनां मनस्सकादीनां अन्नदानकादीनां समस्त भक्त महाजनानां क्षेमस्य हे देवेन्द्रिय आयुः आरोग्य सत्सन्तान सौभाग्य बल प्राप्त्यर्थम् अस्याः विशेषताः लौकिक भक्त महाजनानां अनुष्ठीयमाने श्रावण मास प्रथम सोमवासर सायं दनीय विशेष अभिषेक आराधन पूजांगत्वेन अभिषेक पूजा उभयकर्तॄणां जन्म नक्षत्रे जन्मराशि प्रसाद नाम नक्षत्रे नामराशि जातस्य काश्यप सगोत्रोद्भवस्य।